वरासी में भटकत भटकत अरे अब के मिलो महेलो हे लखत वरासी में भटकत भटकत अरे अब के मिलो महेलो हे करना रे हो सो कले रसादो आध्यात्मिक लाइन में आने के लिए सबसे पहली सीढ़ी यानी अनाराम की जो क्लास है वो है तीर्थ है पूजा पाठ है व्रत है जप तप है ये सब और जब इंसान इन चीजों से ऊपर उठ जाएगा उसके बाद में ये सब करने की जरूरत नहीं संतों ने कहा है। अरे जप तप नेम व्रत और पूजा पूजा और पूजा हे सदर्शन को गेलो हे जप तप नेम अन्य संप्रदाय से अच्छी संप्रदाय है कबीरपंथी कहने में हमको गर्व लगता है जहाँ तक अन्य संप्रदाय के लोग नहीं पहुँच सकते अन्य संप्रदाय के लोग नहीं पहुँच सकते वहाँ कबीरपंथी लोग पहुँचते हैं यानी कि मतलब तीन लोग को ही जानते हैं अन्य संप्रदाय वाले पाताल लोग मृत्यु लोग और स्वर्ग लोग लेकिन कबीरपंथी लोग सतलोक को भी जानते हैं चौथा लोग जो तीनों लोग से परे हैं और वहाँ नहीं पहुँच पाते भगवान लोग भी वहाँ नहीं पहुँच पाए भगवान लोग भी वहाँ नहीं पहुँच पाए बहुत अच्छे जहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं ठीक है ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी गाथा करते रहते हैं और नहीं पा पहुँच पाते हम वहाँ पहुँचेंगे सतलोक में बोलिए पंथ हुजूर प्रकाश नाम साहेब की जय।
साहे गंदगी साहे। फिर बोलो पंचरी हुजूर के नमन नाम तैर की बानो पचास तैर की दाना खड़ा दाम की। यही मुख्य केंद्र है कबीर पंथियों का। 100 वर्ष हो चुका, 1904 में स्थापना हुआ था और 2004 प्रारंभ है। धनी धर्मदास साहब की वंशावली है और यहीं से कबीर पंथ का पूरा जो है विश्व में यहीं से प्रचार प्रसार होता है। अपनी सारी संपत्ति को लुटा देते हैं धर्मदास जी साहब और सदगुरु कबीर की शरण में हो जाते हैं और सदगुरु कबीर साहब उनको 42 वंश की आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर में अपना ही स्वरूप को 42 बार लेकर के आऊँगा। ये उनको आशीर्वाद दिए तो अभी 15 वंश सहचार्य पी प्रकाश में नाम साहब हैं। अगर ऐसे कहीं और संप्रदाय में जो भटकते रहते हैं तो वहाँ कहीं वो जाति पाति का छूटने का कोई तरीका नहीं है। सब जात पात यहाँ ही छूटने के लिए आते हैं। जो गटर की सफाई करते हैं, मल मूत्र साफ करते हैं, लोग उनसे दूर भागते हैं, भागो भागो छूना नहीं, दूर हटकर चलते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो गंदगी साफ करता है। और वो गंदगी करता कौन है? अगर वो अपना काम बंद कर दे तो ये बड़े लोग अपने किए गंदगी में खुद सर कर मर जाएंगे। तुम्हारे लिए कोई स्पेशल दरवाजा होना था संसार में आने के लिए? इतने बड़े हो तो ठोक कर पीटा है साहब। पत्थर को सम्मान दे रहे हैं लेकिन जीते जगते लोगों को सम्मान नहीं दे रहे हैं। अरस्तु कस ब्राह्मण हम कस शुद्ध, हम कस लोह तुम कस दूधा, एक है हार चाम मल मुता, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि बनी है, कौन ब्राह्मण कौन शुद्ध। साहब कहते हैं बड़े गए बरात में रोम रोम अहंकार, साई के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। अब साहेब चमार कह रहे तो इसे भी रूढ़ता से मत ले लेना। मैं कौन हूं जब ये भाव हमारे अंदर आता है, अपने शरीर को ही हम अपना स्वरूप समझते, ये शरीर ही मैं हूं। ये शरीर तो हार चांद से बना है भले आदमी, तो चमड़े से बने हुए शरीर को मैं कह रहे हो तो तुम चमार नहीं तो और क्या हो? जबकि संत कह रहे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम तो ईश्वर के अंश को ईश्वर हो। कि आपके घर कोई भी संत महात्मा भ्रमण करते हुए पधारते हैं और भेदभाव करते हैं, तत्काल आप धक्का मारकर उसे निकाल दीजिए।
कोई पाप नहीं करेगा। जिन बुराइयों का, जिन कुरीतियों का सदगुरु कबीर साहब ने जीवन पर्यंत विरोध किया, उन्हीं बुराइयों को हम लिए बैठे, पंथ के कर्णधार लोग लिए बैठे। ऐसा आदमी कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सदगुरु का बेटा नहीं हो सकता है। जो अनाथ भेदी है, जो स्वयं अनाथ सुनता है, यदि उसका ध्यान दिया जाए तो नाथ प्रकट हो जाता है। बस इसके अलावा और कोई तरीका नहीं।, नहीं पर एक बार आपको उसका अनुभव चाहिए तो जिसको अनुभव है, वही दे सकता है, वही तुरंत, उसके लिए देर नहीं रहती है। जितना ज्यादा भीड़ भाड़ हो रहा है, सब ढमाढम हो रहा है, परंतु फिर भी ऐसी स्थिति में भी वो आदमी उससे जुड़ा हुआ रहता है। जैसे स्त्री और पुरुष के नियोग से गर्भ ठहरता है ना, इसी प्रकार अगर योग शिष्य को अगर गुरु मिल जाए तो शब्द प्रकट हो जाता है तुरंत। क्या बात हो रही है प्रहलाद जी? वो अनहद की बात हो रही है। माने अनहद को किस तरह से देखा जा सकता है? देखो मैं बताऊं, मेरे को इसकी पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज है। ये क्या है? बेहद नाथ। अनहद नाथ के बेहद नाथ। बेहद नाथ। कबीर सवाए किसी को नहीं, और कबीर की फोटो की पूजा नहीं, कबीर के हृदय की पूजा, जो हृदय में बसता राम वो कबीर, कबीर जैसा जो चल जाए वो कबीर पंथी। और आप क्या करते हो? कबीर पंथी लोग क्या करते हो? यहाँ आते हो साहब के दर्शन के लिए लाइन में लगे, साहब के हाथों से प्रसाद पाया, और प्रसाद पाने के बाद बाहर निकले, मेला ठेला घूमे, और फिर अपने दैनिक कार्यों में रत हो गए। तो क्या किया आपने? आप एक मठ मंदिर में जाने में और आपके दामा खेड़ा आने में क्या फर्क हुआ? ये बाजार है, इस बाजार में जिसको जो चाहिए अपनी मर्जी की सामग्री खरीदती है। कोई ग्राहक चाहता है कि मिठाई लूं, वो मिठाई ले लेता है। कोई ग्राहक चाहता है मैं संत की वाणी लूं, वाणी खरीद लेता है। वाणी कैसे खरीद लेते हैं? वाणी खरीदते हैं अपने ध्यान और श्रुति से, आते हैं, बैठते हैं, प्रेम से सदगुरु के वाणी को, संतों की वाणी को सुनते हैं, उसके बाद उसका चिंतन करते हैं। ऐसे भी भक्त हैं। कबीर साहब ने तो सदैव विरोध किया, बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। जो बकरी बिचारी पत्ती खाती है उसकी तो खाल निकाल ली जाती है, और आप तो बकरी को खाते हो, आपका क्या हाल होगा? इस चीज को सोचो आप, बहुत ही खराब बात है। आप लोग को मांसाहार के प्रति विरोध की भावना लाना चाहिए, और अगर घर से महिलाएं विरोध करेंगी तो किसी पुरुष में ये हिम्मत नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को उपयोग में ला सके, घर में इनका उपयोग कर सके।
अभी यहीं पर देखिए दामा खेड़ा में अभी थोड़ी देर बाद मंदिर का लोकार्पण होगा अभी गुरु जी के द्वारा। तो कबीर ने तो ये नहीं कहा कि आप किसी का मंदिर बनाओ। यदि राम मंदिर की आप आलोचना करते हैं या कृष्ण मंदिर जाने से मना करते हैं तो आप भी कबीर मंदिर मत बनाइए भाई। पहले तो आपको सुधरना होगा तभी तो लोग सुधरेंगे। राम के मंदिर में क्या राम जी की भी तस्वीर है? यहाँ पर भी घंटा घड़ियाल है, यहाँ पर दोनों टाइम पूजा होती है, वहाँ पर पूजा होती है, यहाँ पर प्रसाद बढ़ती है, वहाँ पर प्रसाद बढ़ती है। फिर अंतर क्या है? सब वही सेम। लोग वहाँ धक्का धुमी और ये कर रहे होंगे, ये यही तो ना समझिए, ये अंधभक्ति है। ये जो जमाने भर का आडंबर जो है वो कैसे खत्म होगा वो हमारे मन में भी है, और वो केवल इसी यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पर से मतलब ये कि केवल एक ही मजहब मत पंथ संप्रदाय में नहीं, सब में वो कूट कूट करके भरा है। मत पंथ संप्रदाय में है जरूर, लेकिन जब कबीर के नाम पर चलाया गया संप्रदाय वहाँ हम आते हैं तो ये जरूर आस्था रख के आते हैं कि यहाँ तो आडंबर नहीं होगा कबीर के अनुयायी। सही बात, ठीक है करेंगे, पता नहीं गाड़ी कहाँ जाकर के रुकेगी। करेंगे परिवर्तन कबीर पंच में। क्योंकि भाई मैं तो करूंगा अपने हिसाब से ही करूंगा, मेरे को कोई वो नहीं है, कोई आए तो आए नहीं आए तो मेरे को कोई ये भी नहीं करना, मेरे को फौज फांटा तो बनाना नहीं। मेरे को क्या फौज फांटा? फौज फांटा क्या? ये क्या ये फौज फांटा तो है सब? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा अपने को जरूरत नहीं है। हमारे प्रकाश मुनि साहेब को छोड़ करके हमारा और कोई ईश्वर नहीं है। अगले बार जो गुरु माता साहिब है, प्रकाश साहेब की माँ है, उनका मैं पलगी करके गया। देखो मालिक की दया से मेरे पास रहने के लिए झोपड़ी नहीं था, अच्छा सुंदर उसके आशीर्वाद से इस साल मकान बन गया। नहीं हमारा कहना ये है कल चौका आरती आप जरूर लिखवाइए। हाँ हम लिखवाए हैं। क्या बना रहे हैं? आरती चौका पर दीपक बनाते। आपने चौका आरती लिखवाई? जी हाँ। क्यों लिखवाई? अब इसका तो भेद हमको मालूम नहीं है साहब, पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, आत्मा साफ होगी हमारी, ईश्वर जल्दी मिलेगा साहिब। अपन कथा भागवत करवाते, भगवान को याद करते, वही भगवान ही इसमें है, कैसे मान लो आप।
इनके महंत बनने के खिलाफ थे। बिल्कुल, हम तो खिलाफ हैं। क्यों? हम नहीं चाहते थे कि ये महंत बने। क्यों? महंत बनना, दीदी जो हमारे यहाँ पर महंत हैं उनकी दिनचर्या ये है, नाम नहीं बताएंगे परंतु उनकी दिनचर्या है कि वो बस लोगों को ठगते हैं कुल मिलाकर। वो अपने शिष्य बनाते हैं और उनको वही भेड़बंदी करो ना, यहाँ पैसे चढ़ाना पड़ेंगे, यदि आप चौकारती नहीं कराओगे तो नरक में जाओगे, ये चौकारती कराओ, और चौकारती में साधारण आदमी कराता है उसको तो बहुत खर्चा लगता है कि आपको गुरुजी कपड़े लाने पड़ेंगे, गुरुजी के लिए धोती, हाँ बिस्तर लाना पड़ेगा, एक जोड़ ना जाने कितना सामान बताते हैं वो कि ये सामान लाना पड़ेगा, बेचारा गरीब आदमी करा नहीं सकता है, ऐसे ठगते हैं लोगों को। तो ये महंत और वो ब्राह्मण पंडित के बीच में क्या फर्क हुआ फिर? बस दीदी ये तो समान है, पूरा क्या एक दूसरे के, इसीलिए तो अब खिलाफ है। बिल्कुल, हम यही वो सर इनको फटकारते थे दीदी, जब सर महंत, हालांकि आज भी फटकारते हैं परंतु पहले जो फटकारते थे ना तो दबंग था सर फटकारते थे कि आप गलत करते हैं, परंतु जब खुद महंत बन जाएंगे तो फिर दबाव तो आएगा ना। तो आपको क्या लगता है प्रहलाद जी के कारण क्या थे? अब ये तो वही जाले उनका कारण किस लिए उन्होंने कुछ तो अनुमान हो सकता है, उनका एक कारण ये रहा कि जो महंत अभी तक करते हैं मैं वो नहीं करूँगा। सर के पास कोई आरती के लिए आते हैं तो पहले पूछते हैं भाई आरती आप क्यों कराना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं आरती कराने से आपका क्या फ़ायदा होगा, तो सर कहते हैं कि और आप तो सत्संग का कार्यक्रम रख लो और यदि आपके मन में है कि आरती कराएं तो आप पूजा कर देना आरती के नाम से, कि जिस प्रकार की आरती भी कर रही है, हम तो मंच पर भजन गाएंगे केवल। मैं चाहता हूं कि हमारी शिकायत कोई लोग यहां करे ताकि फिर चर्चा हो, क्योंकि यूँ तो चर्चा होगी नहीं, क्योंकि आज तक कौन चर्चा किए हैं भाई, जैसा यहाँ पर साहब करते हैं ऐसा इसी तरह से ये लोग भी करते हैं, और मेरे को भी ऐसा करना चाहिए कायदे से इनके मुताबिक, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा वो मैं नहीं करूँ, इनको जो अच्छा लगे वो करें भाई, इससे कभी कोई नुकसान होगा तो देखेंगे कबीर साहब कभी नाराज हो जाए वैसे हमें फिर इस रूप में ये मानेंगे कि ये तो गुरुद्रोही है आप गुरु महिमा का एक किताब आती है वो, उसमें कभी ला करके पढ़ना, उसमें ऐसी ऐसी साखी लिख दी है कि बस पूछो मत। यानी कैसे? मैं गुरु की निंदा सुने जो काना, हो नर के निदान समाना, ने ऐसा पता नहीं क्या कि गुरु की निंदा यदि अपने कान से सुन ले तो वो बहुत बड़ा दोषी, इसलिए गुरु की निंदा कान से नहीं सुनना चाहिए, जो निंदा करे उसको मार दें, या इस तरह गुरु की परछाई के ऊपर पांव नहीं रखना चाहिए नहीं तो पाप लगेगा, मन ऐसा भी लिखा। गुरु क्या है ये सब, गुरु के बारे में कहा है उन्होंने कि एक जगह पर ये सब गुरु हैं हद के, बेहद के गुरु नहीं। बेहद का गुरु कौन? बेहद अपने आप उपजे, आपे आप उपजे अनुभव के घर में आई, इन सीमा को जो तोड़ देता नहीं उसके लिए फिर ये सब कुछ नहीं, जरूरत नहीं है। मेला उड़ा है, हर साल तो मेला देखते हैं, उम्र हो गया 60 साल साले, हाँ
हम मान लो दो चार साल कबीर को दे दिए, दो चार साल विवेकानंद को दे दिए, दो चार साल गायत्री परिवार को दे दिए, और तो यहाँ तो इसी में हमारा जिंदगी खा गए यार तुम लोग। हमको रास्ता कहाँ, मुकाम कहाँ पहुँचाए। अरे भाई गारंटी दो ना कि हम आपको मुकाम पहुँचाएंगे, तुम करना का तो जाओ, है ना। तो कब तक के गुरु गुरु करके घूमते रहेंगे पीछे पीछे सारे, है ना। और किसके किसके पीछे गुरु बताओ। जब आप कहीं पर भी संप्रदाय का मतलब कहीं पर भी सुनने के लिए जाते हैं तो यही कहते हैं भैया कि इसको हम पा जाएं एक बार, चाहे कबीर के माध्यम से पाए, चाहे किसी भी संत के पीछे। हमारे यहाँ कोई कमी तो है नहीं, हर दृष्टि से भरपूर है हमारा राष्ट्र इस मामला में। तो पहुँचाओ तो दादा। थारो धर्म संघाती रेला रे। थारो मार्ग माथे रेलार सोदागिर अब क्यों भूल्यो जाए रे। थारो धर्म संगाती रेला, थारो मार्ग माथे रेलार सोदागिर अब क्यों भूल्यो जाए रे। अरे हाटा रे हाटा लोबी थे फरी, अरे लोबी में तो फिरी थारी लार। अरे हाटा रे हाटा लोबी थे फरी, अरे लोबी में तो फिरी थारी लार। अब सुगरा मानस सौदा करी चलिया रे लोभी नुगरा तो मूले गमाए सौदागिर अब क्यों भूल्यो जाए रे। सौदागिर अब क्यों भूल्यो जाए रे। थारो धर्म संगाती रे ला, थारो मार्ग माथे रे लार सोदागिर अब मत भूल्यो जाए रे। सोदागिर अब काही भूल्यो जाए मत। तो इनको हमारे योज केनो है के ई सब रगड़ा झगड़ा छोड़ो ने सब पंथ छोड़ो ने अपना जो खास मालिक अपना शरीर में बसे हो की खोज करो। ये भजन करना ने केने गाणो बजाणो लोग रिझणो ये सब थोती बात है। ये तो सब अपनी मान बढ़ाई हो एकाती तो और भीड़ होई नहीं तो और सब भजन में बाधा डाले सब लोग। यो सोच है मारी खरी सोच। हाँ बिल्कुल अनपढ़ है कुछ भी नहीं जानू तो हूँ तो इतनी जानू के घर में रही ने सब की आत्म पूजा करूं। पहला आत्म पूजा फिर काम पूजा। आत्म पूजा कैसे? आत्म पूजा सबकी सेवा करना, कोई के चाय देना, कोई के दूध देना, कोई के रोटी देना, कोई के नाश्ता देना, जानवर के चारों डालना, यो ये आत्म पूजा है वहाँ का और कुछ भी नहीं जाना। देखो ये सच्चे कबीर है क्योंकि कबीर ने कहा कि जो जो देखूं सो सो पूजा, जो जो करूं सो परिक्रमा, ऐसा एक भजन नहीं है दीदी या सब जो जो अपन कर रहे बस वही पूजा है वही। अरे कहे हो कबीर धर्म दास सेरे लोभी सुन ले तू चित मान ला।
हाँ कहे हो कबीर धर्म दास से लो भी सुन ले तू चित मान ला। हर गावे रे बजावे सुने सामलेगा लो भी हम सोयो सत लोक जाए सोदागिर अब क्यों भूलो जाए रे सोदागिर अब मती भूलो